A current carrying closed loop in the form of right angle isosceles triangle ABC is placed in uniform magnetic field B acting along AB. तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है किधर लग रहा है, ए बी के डायरेक्शन में लग रहा है. इफ द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द आर्म बी सी इज एफ, द फोर्स ऑन द आर्म ए सी इज. तो देखो यहाँ पर क्या है कि आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है ए बी की डायरेक्शन में है, एंड मान लो ऐसे करंट जा रहा है. तो अभी होगा क्या कि ए बी जो आर्म है ना, उसके अंदर करंट का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है, मतलब उसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा, जीरो लगेगा. उसके बाद उसने दिया है एफ बी सी के ऊपर फोर्स लग रहा है एफ, राइट, नहीं एफ, हाँ बी सी के ऊपर एफ लग रहा है. आपसे पूछा है एफ ए सी के ऊपर कितना फोर्स आएगा, फाइंड करो. तो देखो हमें पता है कि अगर एक क्लोज लूप है तो क्लोज लूप के लिए क्या होता है, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट जीरो होता है, राइट, वेक्टर फॉर्म में देखा जाए तो एफ ए बी वैक्टर का वैल्यू प्लस एफ बी सी वैक्टर का वैल्यू प्लस एफ ए सी वैक्टर का वैल्यू, सबका वैल्यू जीरो होना चाहिए. ए बी जीरो है, एफ बी सी कितना है, एफ वैक्टर है, एफ ए सी कितना है पता नहीं, वो तो फाइंड करना है. तो ये आ जाएगा आपका एफ ए सी वैक्टर इज इक्वल टू माइनस एफ वैक्टर, माइनस एफ वैक्टर मतलब ऑप्शन सी इज अ करेक्ट वन, राइट.